Assalamu alaikum, dear students. It gives me immense pleasure to be with you on the first day of your new class. I pray to Almighty Allah that all of you touch the new heights and shine like stars. My best wishes are always with you, my dear students. Now, first of all, I would like to introduce myself. I am Miss Faiza. I will be teaching you mathematics. So, I am starting my lecture. Today's topic is numbers. Dear students, for unit first and page number 1. First of all, मैं आपको थोड़ा बहुत numbers के बारे में बोलूँगी. Numbers किसको बोलते हैं? आप लोगों ने previous class में भी मैम ने आपको पढ़ाया होगा numbers के बारे में. तो यहाँ पे भी एक topic है numbers का. Numbers हम कह सकते हैं, we can say numbers are used to count any quantity or we can say to measure. Numbers हम बोलेंगे अगर हमें कोई objective count करना हो या उसकी quantity देखनी हो, तादाद देखनी हो या measure करना हो कि ये कितना है, उसको हम बोलेंगे numbers. Dear students, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी example दूंगी. मेरे पास कुछ pens है, ठीक है? आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेन्स हैं. मैं इनको काउंट करूंगी, 1 2 3 4, यानी 4 पेन्स हैं मेरे पास. मैंने इनको काउंट किया. क्या किया? काउंट किया. दैट मीन्स कि 4 पेन्स हैं मेरे पास. अब मैं आपको आपकी बुक की ओर ले जाऊंगी. आपकी बुक पे इन्होंने टॉपिक दिया है नंबर्स 1 to 10. नंबर्स है 1 से लेके 10 तक. माय नंबर ट्रेन, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेन बनाई है. आप देख सकते हैं अपनी बुक पे यहाँ पे एक ट्रेन बनाई जिस पे इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं. तो आपको वो ऑब्जेक्टिव्स काउंट करने हैं कि कितने हैं, एक एक बोगी पे कितने हैं, एंड करेक्ट आंसर आपको उन बोगीज पे लिखना है. यहाँ पे है लेट अस रिवाइज नंबर्स 1 to 10. आपको रिवाइज करना है नंबर्स को 1 से लेके 10 तक. काउंट द ऑब्जेक्ट ऑन ईच बोगी. अब हर एक बोगी पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको काउंट करना है, जो मैंने पहले भी बोला. एंड राइट द करेक्ट नंबर, और सही आंसर लिखना है. 1 हैज डन फॉर यू. पहला वाला आप लोगों के लिए इन्होंने करके रखा है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके आसानी के लिए इनको आंसर लिखा है कि आपको समझ आए. ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है. आप भी ऐसे अपनी बुक निकालेंगे एंड लिखेंगे काउंट, बट फर्स्ट काउंट करना है. तो यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्टिव है ये बन, ये डॉग ही है, तो ये है 1. अब आपको बलून्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5. दैट मीन्स कि 5 बलून्स है. 1 2 2 हैंड्स है तो आपको 2 लिखना है. ब्रिक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बोगीज है. 8 सॉरी, ब्रिक्स है तो आपको यहाँ पे 8 लिखना है. यहाँ पे 1 2 3 4, 4 फुटबॉल एंड 4 आंसर आएगा. 1 2 3 4 5 6, 6 कैट्स एंड आंसर 6 आएगा. यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्रिक्स फिर से बनाई गई है तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है? यहाँ पे कितने फ्लावर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्लावर्स है तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है. इसी तरह फिर से बलून्स बनाए तो आपको ये बलून्स काउंट करना है, राइट आंसर लिखना है. यहाँ पे डॉगीज फिर से बनाई गई बनाए हैं तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन है, राइट नाउ राइट द नंबर्स 1 to 10. आपको नंबर्स लिखने हैं 1 से लेके 10 तक. जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं. मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा या नेक्स्ट पेज जो होगा वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तब तक अल्लाह हाफिज़. कीप स्माइलिंग. बाय डियर स्टूडेंट्स.